बिहार विधानसभा चुनाव दंगल 2020 में केवी स्टूडियो के कार्यक्रम से आज हम लोग बखरी विधानसभा क्षेत्र में रजौर सकरा गांव में हैं। यहां के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं राजीव कुमार यादव जी, आपको मिलवाते हैं राजीव कुमार यादव जी से और बखरी विधानसभा क्षेत्र की गतिविधि के बारे में चंद शब्दों में इनसे हम जानते हैं। राजीव जी, बखरी विधानसभा क्षेत्र में वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य जो है, इसमें क्या माहौल लग रहा है, आपको कैसा माहौल लग रहा है, किनके पक्ष में लोगों की आवाज़ गूंज रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आपने अपने माध्यम से जन जन तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया। जी, सवाल है आपका कि बखरी विधानसभा का मूड क्या है। जी देखिए, मेरे जानकारी के अनुसार बखरी विधानसभा का मूड विकास के प्रति है जी, और सुव्यवस्था के प्रति है। जैसे कि मैंने विगत 5 वर्षों में शासनकाल देखा माननीय विधायक उपेंद्र पासवान जी का, तो उनके शासनकाल में और उनसे पूर्व शासनकाल में वर्तमान पूर्व विधायक रामानंद राम जी का शासनकाल भी देखा, तो मुझे लग रहा है कि रामानंद राम जी को कहीं न कहीं बखरी विधानसभा की जनता इस बार पसंद कर रही है। अब क्यों पसंद कर रही है? विकास के मुद्दा पे पसंद कर रही है, क्योंकि इन्होंने वर्ष 2000 ईस्वी में फर्स्ट बार विधानसभा गए थे जी, बखरी विधानसभा से चुन करके, तो इन्होंने बहुत ही ऐतिहासिक काम किया जिसकी शायद अभी आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात ऐसी क्या है बखरी विधानसभा क्षेत्र में कि रामानंद राम जी 2000 में जीतते हैं, 2005 में हार जाते हैं, फिर 2010 में जीतते हैं, 2015 में हार जाते हैं, ये 5 साल गैपिंग जो प्रत्येक बार होता है, इसके पीछे क्या रहस्य है? इसके पीछे शीर्ष नेतृत्व का पॉलिटिक्स का उठा पटक हुआ था, या जनता नाखुश भी हो रहती है, ये भी तो हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकती है, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य है शीर्ष नेतृत्व का उठा पटक। जैसे कि इन्होंने 2010 में विधानसभा से जब चुने गए थे तो उस समय NDA गठबंधन था जो अभी वर्तमान में मौजूद है जी, और 2015 में NDA गठबंधन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अलग होकर के महागठबंधन में शामिल हुए थे जी। तो यहाँ पर RJD का पाला बनता था जब से रामानंद राम जी आए थे जी 2005 से, तो यहाँ RJD का वर्चस्व था, और नीतीश कुमार जी को साथ में आ जाने से और NDA का साथ छोड़ देने से ऑटोमेटिकली जो है NDA कमजोर हो गया और महागठबंधन मजबूत हो गया जी, उससे इनका हार हो गया। अंतिम प्रश्न मैं आपसे रख रहा हूँ कि आप लोग, यूं कहा जाए कि बखरी विधानसभा क्षेत्र में रामानंद राम जी के समर्थक हैं जी, इनके अब जिस कारण से भी हो आप लोग इनके विचारों से अवगत हैं, इनका समर्थन आप लोग करते हैं, क्या लगता है कि अगला पंचवर्षीय जो है उसमें अगर रामानंद राम जी विधायक बनते हैं बखरी का, तो इसका सर्वांगीण विकास होगा? जी, मुझे तो लगता है सर्वांगीण विकास होगा, क्योंकि इन्होंने जब जब बखरी विधानसभा की जनता ने इन्हें नेतृत्व का मौका दिया है तो अच्छा सर्वांगीण विकास किया है और करने का प्रयास किए हैं, चाहे सड़क के मामले में आप जाइए, शिक्षा के मामले में जाइए, इन्होंने अच्छा विकास किया है और जनता यही अपेक्षा के साथ इनके साथ देने का मूड बना चुकी है। आपने अपनी बातों को रखा, अब निर्णय बखरी विधानसभा क्षेत्र के तमाम मतदाताओं को करना है कि वो अपने 5 साल के भविष्य का निर्माण किस आधार पर करती है। आप जनता की समस्याओं को आप लोगों ने सुना, हमने आपकी आवाज़ को वर्तमान प्रत्याशी
पूर्व के दो दो बार के विधायक रह चुके रामानंद राम जी से रखा, उनके समर्थक संजय कुमार सुमन जी से रखा, राजीव कुमार यादव जी से रखा, और इन लोगों ने आश्वासन दिया कि अगले पंचवर्षीय में आपके लिए जनहित की जो भी समस्याएं होगी सकारात्मक पहल इनके द्वारा किया जाएगा। अब देखना है कि आप लोगों का लगाव रामानंद राम जी के साथ कैसा रहता है और रामानंद राम जी का पाँच वर्षों तक आपके साथ कैसे लगाव रहता है। क्या ये जनहित के लिए कार्य करते हैं या फिर बकरी की जनता ठगे जाते हैं? निर्णय पुनः 2025 में होगी, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में अब आप लोगों को निर्णय करना है कि बकरी की जनता, बकरी विधानसभा क्षेत्र का विकास किस कदर कहां करवट लेती है। धन्यवाद।